नमस्कार किसान भाइयों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब इस वीडियो में मैं बताऊंगा, ये जो मेरा खेत देख रहे पूरा बरबट्टी का, मेरा खेत जो है बरबट्टी से पूरा लद चुका है। और इनकम की बात की जाए तो मैंने पिछले वीडियो को वो अपलोड ऑलरेडी कर चुका है। आप लोगों को उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो इसमें जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को आगे के अनुभव यानी कि आगे का प्लानिंग शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं भिंडी का खेती किया हूँ, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं भिंडी का बीज है, जो कि लगाए हुए 3 से 4 दिन हो चुका है। और ये लगाने की प्रक्रिया यानी कि इसमें आप लोगों को फुल डिटेल्स मिलेगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा कम्प्लीटली देखें। और मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि कौन से वैरायटी का मैंने बीज को अभी लगाया है, जो कि आने वाले समय में हमारा जो भिंडी का रेट होगा 40 से 45 रुपये या 50-60 रुपये बिकेगी। जो कि पिछला बार मैंने भिंडी लगाया था तो उस भिंडी का अनुभव मैं बता रहा हूँ कि 45-45 रुपये पर किलो के दाम से मैं सेल किया था, वो भी मार्केट में पैकारी को मैंने बेचा था। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो इस बार तो हर एक सब्ज़ी का बहुत ही ज़्यादा दाम रहा है, बहुत ज़्यादा कीमत में बिक रही है। किसान भाइयों, यहाँ पर मैं बताऊँगा कि जो ये भिंडी मैंने लगाया है या अभी आप लगा चुके हैं या लगाने का सोच रहे हैं, तो देर ना करें, तुरंत लगाएं भिंडी। और ये भिंडी का इस साल का जो रेट मिलने वाला है 60 से 70 रुपये किलो बिकने वाला है। तो ये मेरा पूरा खेत देख चुके हैं, देख सकते हैं पूरा, ये जितना आप लोगों को फ्रेश नज़र आ रहा, ये खेत पूरा ड्रेन करके मैंने लगाया है। और देख सकते हैं कितना ये जो यहाँ से सीधा लाइन जो गया है यानी कि ड्रेन किया गया है वहाँ तक, पूरा एकदम लास्ट तक, पूरा लास्ट तक किया गया है। और वहाँ से ये जो ड्रेन देख रहे हैं, इधर का पानी मतलब उस मेन ड्रेन में जाएगा, वहाँ से आप ये देख रहे हैं किनारे किनारे, वो आगे जो खेत में है गड्ढा खेत, उसमें पानी निकलेगा। यानी बरसात का पूरा मैंने प्लानिंग कर लिया है कि जहाँ कितना भी बारिश हो जाए, यानी कितना भी ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो जाए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू बारिश भी होगा, तो मेरा खेत का जो पानी है एक बूंद भी रुकने वाला नहीं। ये ड्रेन के हिसाब से सारा जो पानी है उस गड्ढा में जाने वाला है। तो इस तरह से प्रक्रिया को आप अपनाएं जो मैंने विधि से लगाया है, कम से कम खेत में ड्रेन करके लगाएं ताकि जल का जमाव ना हो और अपना जो खेत है वो सेफ रहे। पूरा देख सकते हैं मैंने लगाया। बात रह गया कि मैंने कौन सा वैरायटी का बीज अपनाया है। बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के बीज हैं और जो मैं अब अपनाते आ रहा हूँ, 2-3 वैरायटी के हैं, जैसे अनुराधा हो गया, शताब्दी सुलभ, दिव्या, एक नामधारी भिंडी भी है, वो भी बेटर, उसका भी बेटर रिजल्ट है, आप चाहे उसको भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गाँच का जो सुंदरता कितना सुंदर सो है। अभी ये लमसम 4 से 5 दिन हुआ है लगाए हुए और बारिश भी हुआ है, तो इससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाला है। बोला चाहे तो देख सकते हैं हर एक जगह पर ये पौधा अपने जगह पर सही है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी किसान भाइयों को वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, और ये जो मेरा बरबट्टी है, अभी इनकम जो है अभी 1 से 1.5 लाख में पार करने वाला हूँ। और जो मैंने कि अपना अनुभव वीडियो को भी अपलोड किया था कि किस तरह से कब कौन से समय में यानी कौन से महीने में कौन से वैरायटी को बीज आप लगाना है या कौन से सब्जी लगाना है, ताकि आपका जो मार्केट की कीमत की बात की जाए तो वो सबसे टॉप लेवल पर यानी कि सबसे अच्छी कीमतों बिकने वाली है, यानी 80-90-100 रुपये किलो बिकने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये टोटल मैंने अपना अनुभव बता दिया है। ये 3-4 वैरायटी का बीज लेके लगा सकते हैं बिंदास। और बात किए जाए तो इसके बाद मैंने दूसरे खेत को भी प्लानिंग कर लिया, यानी कि नर्सरी तैयार करने के लिए मैंने अपने वीडियो को भी अपलोड किया है। बैंगन का जो नर्सरी है वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है, और दूसरा जो नर्सरी मैं तैयार कर रहा हूँ उसका स्पेस अभी अभी जस्ट दिखा दे रहा हूँ इस वीडियो में कि मैंने नर्सरी
किधर का तैयार किया, यानी कि दोबारा जो दूसरे राउंड में डालने वाला हूँ वो भी देख सकते हैं। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो है पूरा ये नर्सरी मैंने डालने के लिए, इसमें नर्सरी में जो डालूँगा तो उसको भी वीडियो अपलोड करूँगा। तो इसीलिए अभी वीडियो को मेरे लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें और पूरा खेत को देख सकते हैं। ये जो है बैंगन, ये पिछला जो मैंने नर्सरी तैयार किया था वो साइड है, उधर है उस साइड में कौन तरफ उसमें ये लगेगा और ये दूसरे जगह पर मैं लगाऊंगा। उसका भी खेत ऑलरेडी मैं तैयार कर चुका हूँ।